मुझे बता दीजिए कि स्कूल वाले जो है वो एडमिशन नहीं कर रहे बच्चों की, कुछ स्कूल एडमिशन कर रहे हैं तो अंडरटेकिंग लेके कर रहे हैं, आखिर ये दोहरा रवैया जो है वो पेरेंट्स परेशान हो रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, एनरोल में है चाहे 4.5 साल चाहे 5 साल 5.5 साल, तो मुझे बताइए उनको उनको कैसे मतलब की उनका क्या कसूर है जब उनके माँ बाप का क्या कसूर है। अगर आपने SRO 123 2010 में दिया होता तो आज बच्चे जो है वो बच्चों के माँ बाप का कसूर मानते। पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू की जानिब से लगातार एहतजाज किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने जा रही है जिसके चलते बच्चों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से कम है। और गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू और कश्मीर की जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं, LG एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम हमारे बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना किया जाए। बहरहाल हम बातचीत करेंगे अमित कपूर जी से, तो पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अमित जी क्या कहना चाहेंगे, पिछले कई दिनों से लगातार आप इसी तरह से सड़कों पर हैं और आज आप ये छोटे छोटे बच्चे लेकर भी आए हैं, क्यों? देखिए बड़ा अफसोस होता है कि आज नन्हे मुन्ने बच्चों को सड़कों पे आना पड़ा, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करते हैं, न्यू पॉलिसी का हमने वेलकम किया था, पूरे देश ने वेलकम किया था, अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो वो उनका कहना है कि हमने कोई भी नोटिफिकेशन जो है इंप्लीमेंट कर समय जो है वो अभी नहीं निकाला, तो आप मुझे बता दीजिए कि स्कूल वाले जो है वो एडमिशन नहीं कर रहे बच्चों की, कुछ स्कूल एडमिशन कर रहे हैं तो अंडरटेकिंग लेके कर रहे हैं, आखिर ये दोहरा रवैया जो है वो पेरेंट्स परेशान हो रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, और सरकार 4 प्रोटेस्ट 5 प्रोटेस्ट देखने के बाद भी आपके चैनलों के माध्यम से हमने मैसेज भी दिया सरकार को और सरकार ने एक भी क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं दी। यहां से पता चलता है LG प्रशासन जो है वो नालायक प्रशासन है। यहां से पता चलता है कि LG साहब को आपने ये बात कही थी कि LG साहब जिस तरह गोवा में पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का सही तरीका अपनाया था जबकि बच्चे जो एनरोल में है उनको परेशानी ना आए, अगर आप नर्सरी क्लास के बच्चों को आज जो समय है 3 साल का उसको इंप्लीमेंट अगर आज करते हैं और फर्स्ट क्लास का इंप्लीमेंट का समय जो है वो 3 साल के बाद रखते हैं तो किसी को परेशानी नहीं आएगी, लेकिन सरकार कोई भी क्लैरिफिकेशन देने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं और दोहरा रवैया जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि हमने नोटिफिकेशन नहीं निकाली और स्कूल कहता है कि हम एडमिशन नहीं देंगे, तो मुझे बताइए बच्चे बेचारे क्या करेंगे, बच्चे तो आज जाके मीडिया के पास ही आएंगे अपना इंसाफ मांगने। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस तरह का नोटिस नहीं निकाला तो फिर स्कूल वाले एडमिशन क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी, मुझे यही तो हम पूछना चाहते हैं कि LG प्रशासन कितना नालायक प्रशासन है, LG प्रशासन कितना नालायक प्रशासन है कि उसको ये समझ नहीं आ रही, एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है मैंने नोटिफिकेशन नहीं निकाली, स्कूल बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहा, नन्हे मुन्ने बच्चों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सड़कों पे आ चुके हैं, लेकिन LG प्रशासन जो है वो क्लैरिफिकेशन देने को तैयार नहीं। यहां से पता चलता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इतना निकम्मा हो चुका है कि उसको आपके चैनलों के माध्यम से प्रोटेस्ट भी सुनाई नहीं देते, तो ये हमारी ये मांग है LG साहब से कि LG साहब आपको ही इस मसले में जो है वो कीजिए, अपना इंटरवेंट कीजिए ताकि ये बच्चे जो है वो सड़कों पे ना आए और एक क्लैरिफिकेशन जो है वो दी जाए। स्कूल वाले क्या कुछ क्राइटेरिया क्या मांग रहे हैं? देखिए स्कूल वाले जो है वो एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से मांग रहे हैं, लेकिन जो बच्चे एनरोल में है चाहे 4.5 साल चाहे 5 साल 5.5 साल, तो मुझे बताइए उनको उनको कैसे मतलब की उनका क्या कसूर है जब उनके माँ बाप का क्या कसूर है? अगर आपने SRO 123 2010 में दिया होता तो आज बच्चे जो है वो बच्चों के माँ बाप का कसूर मानते, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया एज का नहीं दिया गया था, तो मुझे बताइए बच्चों का क्या कसूर और माँ बाप का क्या कसूर? ये आने वाले वक्त में क्या कुछ इकदाम रहेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार आप एहतजाज कर रहे हैं, LG एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, आने वाले वक्त में क्या कुछ इकदाम रहेंगे अगर इसी तरह से बच्चों को बाहर निकाला जाता है? कर क्या सकते हैं हम सड़कों पे आकर, इतनी तानाशाही सरकारों की हो चुकी है, हम सड़कों पे आकर आपके मीडिया के माध्यम से आवाज ही ऊपर पहुंचा सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? माँ बाप इतना मजबूर हो चुका है आज बच्चों को सड़कों पे ला रहा है और इससे ज्यादा क्या शर्म की बात होगी ऐसे LG प्रशासन के लिए, तो हम LG साहब को कहना चाहते हैं कि क्लैरिफिकेशन दीजिए, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली और आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जब ये कहता है कि नोटिफिकेशन नहीं निकाली तो फिर किस तरह से स्कूल वाले जो है वो बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे, तो कोई क्लैरिफिकेशन दीजिए और गोवा की तरह पॉलिसी को इंप्लीमेंट कीजिए, नर्सरी की इंप्लीमेंट का जो समय 3 साल का है न्यू बच्चों का वो भी कीजिए और 3 साल के बाद 2026 में जो है वो फर्स्ट क्लास का इंप्लीमेंट कीजिए ताकि जो एनरोल में बच्चे हैं उनको परेशानी ना आए और माँ बाप जो है अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर ना आए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।
लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से पेरेंट्स आज अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं, और कारण यही है कि इनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन्स नहीं दी जा रही, इन्हें जो है स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से गोवा में इस वक्त पॉलिसी चल रही है, उसी तरह से यहाँ पर भी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ सड़कों पर ना आना पड़े। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इनने खुसूसी गुजारिश की कि आप इस मामले में इंटरवीन कीजिए, क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हमने इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं निकाला है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस इशू को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाती है।